दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों चलिए बिहार के तमाम 15 बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। साथ ही अपनी तरफ से आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें। साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। आज की पहली खबर, छठ की छुट्टी के बाद ऑफलाइन मोड में खुलेंगे स्कूल, 50% अटेंडेंस की लिमिट भी होगी खत्म। जी हां, कोरोना जैसी महामारी की वजह से बच्चों की पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हुई है। लगभग 2.5 साल से जूनियर सेक्शन के बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। हाल के दिनों में ऑफलाइन मोड में स्कूल खुले भी तो तीसरी लहर की आशंका से डरे अभिभावकों ने अपने बच्चों को स्कूल तक नहीं भेजा है। लेकिन अब दीपावली और छठ की छुट्टी के बाद राजधानी पटना समेत बिहार के ज्यादातर स्कूलों में जूनियर क्लासेस ऑफलाइन मोड में देखने को मिलेगा। छठ की छुट्टियों के बाद स्कूल जब खुलेंगे तो 50% अटेंडेंस की बाध्यता भी खत्म कर दी जाएगी। LKG और UKG की पढ़ाई अब तक कोरोना महामारी के बाद शुरू नहीं हुई थी, लेकिन अब प्री प्राइमरी के बच्चे भी स्कूल जा पाएंगे। पटना के ज्यादातर स्कूलों ने इसकी तैयारी कर ली है। राजधानी के कई बड़े स्कूलों में ऑफलाइन बोर्ड में क्लासेस शुरू कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर, बिहार में हफ्ते भर में गुलाबी ठंड, पिछले 72 घंटे में तापमान 3 डिग्री तक की गिरावट, 10 नवंबर तक बढ़ जाएगा ठंड का प्रभाव। जी हां, बिहार में आने वाले 7 दिनों में मौसम में बदलाव दिखाई देने लगेगा। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी हवा के प्रभाव में कमी आने के साथ ही तापमान में गिरावट हो रही है। पश्चिमी हवा का प्रभाव होते ही ठंड पड़ने लगेगी। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 10 नवंबर तक ठंड का प्रभाव बढ़ जाएगा। पिछले 72 घंटों में तापमान में 3 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई है। अगली बड़ी खबर, राज्य में वैक्सीनेशन को लेकर अब नहीं चलेगी बहानेबाजी, सेकेंड डोज अब तक नहीं लेने वाले लोगों को ढूंढेगी सरकार। जी हां, अब वैक्सीनेशन में बहानेबाजी नहीं चलेगी, हर हाल में वैक्सीनेशन कराना होगा। इसके लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और ऐसे लोगों की तलाश चल रही है जो बहानेबाजी कर रहे हैं। ऐसे लोगों को ढूंढ कर वैक्सीनेशन कराया जाएगा, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। दरअसल सर्वे में यह बात सामने आई है कि कुछ लोग वैक्सीनेशन के दूसरे डोज लेने में बहानेबाजी कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए सरकार ने वैक्सीनेशन का प्लान बनाया है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड व एयरपोर्ट पर भी वैक्सीनेशन काउंटर बनाया जाएगा। मिल रही जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य विभाग ने आदेश जारी करके कहा है कि सेकेंड डोज नहीं लेने वालों का सर्वे कराया जाएगा। इसके लिए ग्रामीण इलाकों में आशा और अन्य हेल्थ वर्करों को लगाया जा रहा है। गाँव में वह ऐसे लोगों को डिटेक्ट करेंगे जो कोरोना का टीका लगवाने में मनमानी कर रहे हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित करके सेकेंड डोज दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, बिहार के इन लोगों को घर पर दिया जाएगा कोरोना का टीका, 28 अक्टूबर को स्वास्थ्य विभाग चलाएगा महाअभियान। जी हां, बिहार में कोरोना महामारी के संक्रमण से बचाव को लेकर दिव्यांग जनों एवं वृद्ध जनों को उनके घर पर जाकर स्वास्थ्य कर्मी कोरोना टीका देंगे। स्वास्थ्य विभाग ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश के बाद कोरोना टीका से वंचित सभी व्यक्तियों को कोरोना टीका देने और पहला डोज ले चुके व्यक्तियों को भी कोरोना टीका का दूसरा डोज देने का निर्णय लिया है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के अनुसार दिसंबर तक राज्य में टीका लेने के योग्य सभी व्यक्तियों को कोरोना टीका देने की तैयारी है। इसके लिए कोरोना टीकों से वंचित की पहचान की गई है। इसके साथ ही निर्णय लिया गया कि जो कोरोना टीका वंचित टीकाकरण केंद्रों पर जाने में असमर्थ है, उन्हें उनके घर पर स्वास्थ्य कर्मी टीका देने जाएंगे, ताकि उन्हें भी कोरोना महामारी से बचाव के दायरे में लाया जा सके। अगली बड़ी खबर, बिहार बोर्ड मैट्रिक और इंटर परीक्षा के फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ी। जी हां, बिहार बोर्ड ने मैट्रिक और इंटर परीक्षा 2022 के फॉर्म विलंब शुल्क के साथ भरने की तिथि 28 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। विद्यार्थी इसके लिए अपने स्कूल से संपर्क कर सकते हैं। जिन्होंने पंजीयन परीक्षा फॉर्म भर दिया है पर शुल्क जमा नहीं कर पाए हैं, उनका शुल्क स्कूल प्राचार्य 1 नवंबर तक जमा कर पाएंगे। बोर्ड के अनुसार यदि किसी छात्र या छात्रा के मूल पंजीयन कार्ड में नाम, अभिभावक के नाम, फोटो आदि में त्रुटि है तो पोर्टल पर ऑनलाइन सुधार कर सकते हैं। बिहार बोर्ड ने कहा कि 28 अक्टूबर के बाद अगर कोई विद्यार्थी ऑनलाइन परीक्षा आवेदन भरने से वंचित रह जाता है और उसके कारण सम्मिलित नहीं हो पाते हैं तो इसकी पूरी जवाबदेही संबंधित विद्यार्थी और उनके स्कूल प्रिंसिपल की होगी।
अगली बड़ी खबर, आईटीआई उच्च माध्यमिक भाषा परीक्षा 2021 के डमी एडमिट कार्ड जारी। जी हां, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने आईटीआई उच्च माध्यमिक स्तरीय भाषा परीक्षा 2021 के डमी एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। बिहार बोर्ड आईटीआई उच्च माध्यमिक स्तरीय भाषा परीक्षा 2021 के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराने वाले अभ्यर्थी समिति की वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर त्रुटि सुधार के लिए 25 अक्टूबर 2021 से 29 अक्टूबर 2021 तक डाउनलोड कर सकते हैं। बिहार बोर्ड की ओर से जारी डमी एडमिट कार्ड में विद्यार्थियों के नाम या उनके माता पिता के नाम की स्पेलिंग में त्रुटि या कोटि, लिंग, जन्म तिथि, फोटो या हस्ताक्षर में त्रुटि हो सके, इसका सुधार कर विद्यार्थी या उनके अभिभावक संबंधित संस्थान के प्रधान को उपलब्ध कराए। यानी अभ्यर्थी त्रुटि सुधार के लिए संस्थान के माध्यम से ही आवेदन कर सकते हैं। बिहार उपचुनाव में आरजेडी के लिए बड़ी खबर, बुधवार को कुशेश्वर स्थान और तारापुर में चुनावी सभाएं करेंगे लालू यादव। जी हां, राजद प्रमुख लालू यादव 27 अक्टूबर को उपचुनाव वाले दोनों विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार करने जाएंगे। सोमवार को डॉक्टरों की टीम ने राजद प्रमुख की जांच की और उन्हें संयम के साथ कार्य करने की सलाह भी दी है। डॉक्टरों की सलाह के बाद पार्टी ने लालू प्रसाद के कार्यक्रम को अंतिम रूप दे दिया है। अब वह दो दिन की जगह दोनों जगहों पर एक ही दिन हेलीकॉप्टर से प्रचार में जाएंगे। 27 अक्टूबर को लालू यादव सबसे पहले 11:40 में तारापुर विधानसभा क्षेत्र के गाजीपुर मैदान में चुनावी सभा करेंगे। वहां से वह कुशेश्वर स्थान जाएंगे। उस विधानसभा क्षेत्र में वह झाजरा हाई स्कूल मैदान में 3:25 में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। दूसरी तरफ सीएम नीतीश ने कुशेश्वर स्थान में एनडीए के लिए किया प्रचार, कहा एक साल में खत्म होगी बाढ़ की समस्या। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि कुशेश्वर स्थान को साल भर में बाढ़ से मुक्ति दिलाएंगे। यहां के स्वर्गीय विकास में जो कुछ भी बाकी रह गया है उसे पूरा कर फिर यहां आएंगे। वे सोमवार को कुशेश्वर स्थान के दोबेलिया में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि कुशेश्वर स्थान में मछली व मखाना के क्षेत्र में रोजगार सृजन की संभावनाएं तलाशी जा रही है। कुशेश्वर स्थान स्थित बाबा कुशेश्वर नाथ को राष्ट्रीय स्तर पर धार्मिक सर्किट से जोड़ा जाएगा। सीएम ने कहा कि कोरोना संकट पर हमारे प्रयास, पहल और उपलब्धि को देश स्तर पर सराहा जा रहा है। अगली बड़ी खबर, दिवाली छठ में बिहार आने के लिए नई ट्रेनें, कोटा और अमृतसर से चलेगी फेस्टिवल स्पेशल, जानिए क्या होगी टाइमिंग। जी हां, दीपावली और छठ पूजा पर बिहार आने के लिए रेलवे ने पैसेंजर को नई दो फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन की सौगात दी है। इसमें एक ट्रेन दानापुर से कोटा और दूसरी दरभंगा से अमृतपुर के बीच चलेगी। पूर्व मध्य रेलवे के CPRO राजेश कुमार के अनुसार ट्रेन नंबर 09817 और 09818 दानापुर कोटा दानापुर फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन का परिचालन 3-3 ट्रेन जबकि 05281 05282 दरभंगा अमृतसर दरभंगा फेस्टिवल स्पेशल का परिचालन 2-2 ट्रिप किया जाएगा। फेस्टिवल के दरमियान दोनों ट्रेन के परिचालन से पैसेंजर की भीड़ को कंट्रोल भी किया जा सकेगा। अगली बड़ी खबर, जनरल डिब्बे में रिजर्वेशन कराने का झंझट खत्म। SER की 13 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के कुछ डिब्बे होंगे अनारक्षित। जी हां, यात्रियों की सुविधाओं के लिए रेलवे की ओर से पूर्व मध्य रेल क्षेत्र अधिकार में विभिन्न स्टेशनों के बीच चलाए जा रहे 13 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के साधारण श्रेणी के आरक्षित रहने वाले कुछ डिब्बों को 26 अक्टूबर से अनारक्षित कोच के रूप में चलाने का निर्णय लिया गया है। यह जानकारी पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने दी है। उन्होंने इसके साथ ही पूर्व मध्य रेल के यात्रियों से अनुरोध भी किया है कि यात्रा के दौरान कोविड रोकथाम के लिए सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देश का पालन जरूर करें। अगली बड़ी खबर, IPL 2022 में लखनऊ और अहमदाबाद नई टीमें, RPSG ग्रुप और CVC कैपिटल होंगे मालिक। जी हां, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL की दो नई टीमों का ऐलान कर दिया है। RPSG ग्रुप ने 7000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की बोली लगाकर लखनऊ फ्रेंचाइजी हासिल की है, जबकि CVC कैपिटल ने 5200 करोड़ रुपये की बोली लगाकर अहमदाबाद फ्रेंचाइजी की है। संजीव गोयनका की मालिकाना हक वाले RPSG ग्रुप ने 7000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की बोली लगाकर लखनऊ फ्रेंचाइजी हासिल की है। वहीं IPL 2022 सीजन के लिए दो नई टीमों के लिए दुबई के ताज दुबई होटल में संपन्न हुए बोली में 10 पार्टियां उपस्थित रही। गोयनका 2 साल के लिए पुणे फ्रेंचाइजी राइजिंग पुणे सुपर जायंट के मालिक भी रह चुके हैं।
बड़ी खबर, पटना में गंगा की धारा को मोड़ने की तैयारी में जुटी सरकार। छठ से पहले मंत्री नितिन नवीन ने की घोषणा। जी हां, बिहार में गंगा का जलस्तर अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में भी बढ़ रहा है, इससे गंगा किनारे छठ करने के इच्छुक लोगों को परेशानी हो सकती है। इसी बीच पटना का जिला प्रशासन और सरकार वर्तियों की सहूलियत के लिए योजना बनाने में जुट गई है। राज्य के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने घोषणा की है कि गंगा के जलस्तर में कमी नहीं आने पर महेंद्रो घाट की तरफ गंगा की धार को मोड़ा जाएगा। इस संबंध में जल संसाधन विभाग के अभियंता आकलन करेंगे। बड़ी खबर, बिहार के 17 जिलों में बनेगा ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक, जमीन चिन्हित, रुपये भी आवंटित। जहां राज्य भर में ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक निर्माण के लिए नालंदा, भोजपुर, कैमूर, मधुबनी, सीतामढ़ी सहित 17 जिलों में जमीन चिन्हित कर लिया गया है। जिलों द्वारा उपलब्ध कराए गए प्राकलन पर प्रशासनिक स्वीकृति भी दे दी गई है। निर्माण के लिए कई जिलों में एजेंसी का चयन एवं टेंडर की प्रक्रिया चल रही है। सोमवार को परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने विभाग के वरीय पदाधिकारियों के ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक योजना के प्रगति की समीक्षा की। अगली बड़ी खबर, 67वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स का आयोजन, रजनीकांत को मिला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। जी हां, दिल्ली में कल 67वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स का आयोजन हुआ। अवार्ड सेरेमनी में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कलाकारों को अवार्ड देकर सम्मानित किया, जिसमें सुपरस्टार रजनीकांत को कल भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कंगना रनौत, धनुष और मनोज बाजपेयी सहित कई कलाकारों को नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया। अगली बड़ी खबर, पटना जंक्शन पहुंचने के लिए बनेगा अंडरग्राउंड रास्ता, यात्रियों को मिलेगी जाम से मुक्ति। जी हां, ट्रेन पकड़ने के लिए पटना जंक्शन पहुंचने वाले लोगों को जाम से मुक्ति के लिए अंडरग्राउंड रास्ता बनेगा। बुद्ध स्मृति मल्टी पार्किंग से पटना जंक्शन तक अंडरग्राउंड रास्ता तैयार होगा। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम की देखरेख में इसका निर्माण होना है। जानकारों के अनुसार इसके निर्माण के लिए टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। छठ पूजा के बाद निगम बोर्ड की होने वाली बैठक में टेंडर प्रोसेस पर निर्णय लिए जाने की संभावना है। आज के लिए आपका सवाल बताए कि अभिनेता रजनीकांत के पहले किस अभिनेता को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।